बचपन से लेकर आज तक आपने जो एक लक्ष्य पाल रखा है उसके पूरे होने में और आपके बीच में आपका ये एक गाना है। आप जानते हैं कि आपका हर एक सही सुर आपकी कामयाबी की ईंट बनेगा और एक भी गलत सुर, आई डिन डोंट नीड टू से व्हाट्स गोना हैपन आउट देयर। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ और थोड़ा सा मिस्टेक होना तो ऑब्वियस है, बाकी आई होप कि ज़्यादा ना हो जाए। चलिए, ईमानदारी से तैयारी की है तो रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट भव्या। थैंक यू। भाभी, हमें एक बात बताएं, ये गाना आपको जजेस ने दिया था, ऑब्वियसली सबको चैलेंजिंग गाने दिए थे, तो आपको क्या लग रहा, आपको ऐसा गाना क्यों दिया? आपको लग रहा था क्या उनको ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा गाना नहीं गा सकती हैं? नहीं, हो सकता है द फैक्ट कि मैंने अब तक रोमांटिक गाना यहाँ पर नहीं गाया है। मेरा फर्स्ट सॉन्ग पान खाए सैया हमारो था, सेकंड सॉन्ग वाज अ फास्ट पार्टी काइंड ऑफ नंबर, और वाइल्ड कार्ड में मैंने कवाली गाई, तो ये एक अनछुआ जॉनर था। एंड इन फैक्ट आई एम थैंकफुल टू द जजेस कि उन्होंने मुझे एक नई डायमेंशन दी, और उसके साथ मैंने क्या किया है वो देल ओनली टेल। देल ओनली टेल, देल ओनली टेल। आए तो चलो पूछते हैं जावेद साहब। भाविया, तुम अभी जाओ बैठो, बाद में बात करेंगे। बस ही इज राइट, ये गाना उन्होंने लिखा है, मैंने बनाया और तुमने गाया है, तुम जाओ बैठो, जाओ बैठ जाओ। जाने से पहले एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि ये बात मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन खैर मैं कह ही देता हूँ, जजेस पहले ही बहुत सस्पेंस बनाकर रख रहे हैं, बहुत क्रिएट कर रहे हैं, मुझे सस्पेंस और क्रिएट नहीं करना चाहिए। भाविया, आज आप और हमारे बाकी सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओके भाविया, नाउ गेटिंग टू सीरियस मैटर्स, अनन्या आप हमें बताएं, भाविया ने मोहित से अच्छा गाया या नहीं? बहुत अच्छा गाया मोहित से। मोहित से थैंक यू वेरी मच। एंड यस भाविया, अब आप जा सकती हैं और इंतजार कर सकती हैं अपने रिजल्ट का। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां एवरीबॉडी वंस अगेन फॉर भाविया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।